सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, हो सकता है कि कभी आप अपने मोबाइल का पैटर्न भूल गए हो, लॉक उसका भूल गए हो और उसके बाद आप परेशान हुए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने फोन का पैटर्न लॉक भूल जाते हैं तो आप उसको बड़े आराम से रीसेट कर सकते हैं और काफी आसान इसके उपाय हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि अगर आप 5 से 6 बार अपना पैटर्न जो है गलत लगा देते हैं तो आपको वेट करने के लिए बोलता है कि आप 30 सेकेंड वेट कीजिए या ओवर टाइम वेट कीजिए अगर आप और गलत पैटर्न लगा लेते हैं तो। ऐसे में आपके पास एक रिकवरी ऑप्शन होता है। जब आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं ज़रूर उसके अंदर आप एक जीमेल आईडी बनाते हैं, तो ऐसे में आप अपने उस पासवर्ड को डाल के, क्योंकि आप ऑप्शन में जा सकते हैं और ऑप्शन में जाके आपसे वो जीमेल आईडी का पासवर्ड मांगेगा और उस पासवर्ड को डाल के आप दोबारा से अपने पैटर्न को रीसेट कर सकते हैं। ये तो है बिल्कुल आसान तरीका। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूँ तो उसमें आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए 90% जो बटन्स होते हैं वो तो आपका वॉल्यूम रोकर, जो पावर बटन होता है, जो आपका वॉल्यूम का बटन होता है, आप उसको इकट्ठे दबाते हैं तो फ़ोन जो है रीस्टार्ट होता है रिकवरी मोड के अंदर। ध्यान रखिएगा, जो रिकवरी मोड होता है उसके अंदर आपका जो टच स्क्रीन है वो काम नहीं करता है। ऐसे में आपको वॉल्यूम के अप डाउन बटन के हिसाब से आपको जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में आप उसके अंदर वाइप डाटा और फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन होता है उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट आप पावर के बटन से करेंगे। ऐसा करने से आपका फ़ोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और दोबारा से आपसे वो पैटर्न बनाने के लिए बोलेगा। ऐसे में आपका जो डाटा है, मान लीजिए आपके जो पिक्चर्स हैं, जो आपके वीडियोस हैं, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, डोंट वरी, उसको आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने पैटर्न को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं, और आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं मोबाइल रिपेयर शॉप पे जाने से। तो दोस्तों, ये था छोटा सा एक वीडियो जिसके अंदर मैंने बताने की कोशिश करी अगर आप पैटर्न भूल गए तो कैसे आप उसको रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।